और अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली में भर्तियों में बदउनवानी का मामला, साबिक वजीर आला परवेज इलाही की रिहाई की रूपकार पर जेल हुकाम ने एतराज आयद कर दिया है। बात करेंगे अरशद अली, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अरशद, क्या एतराज लगाया गया है? लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में जेल हुकाम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें ये कहा गया था कि अदालत जारी करदा रोबकार की जो है वो मजीद तस्दीक कर दे, तहम कुछ इसमें कन्फ्यूजन जा रही है, जिस पर जो है वो अदालत ने इजहार नाराजगी किया और सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया है और अदालत ने रोबकार पर अमल दरामद करने की हदायत की है और इसके साथ साथ अदालत ने प्रवेश लाई की जारी होने वाली रोबकार पर आइंदा समाज पर जेल हुकाम से रिपोर्ट भी तलब की है और सुप्रिंटेंडेंट जेल को जो शोकाज नोटिस जारी किया गया है उस पर 14 जुलाई तक जो है वो समाज मुलतवी की है और उसको इस शोकाज नोटिस का जवाब देने के अहकाम भी जारी किए हैं। जी, लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में जेल हुकाम की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें ये कहा गया था कि अदालत जारी करदा रोबकार की जो है वो मजीद तस्दीक कर दे, तहम कुछ इसमें कन्फ्यूजन जा रही है, जिस पर जो है वो अदालत ने इजहार नाराजगी किया और सुप्रिंटेंडेंट कैंप जेल को शोकास नोटिस जो है वो जारी कर दिया है और अदालत ने रोबकार पर अमल दरामद करने की हदायत की है और इसके साथ साथ अदालत ने प्रवेश लाई की जारी होने वाली रोबकार पर आइंदा समाज पर जेल हुकाम से रिपोर्ट भी तलब की है और सुप्रिंटेंडेंट जेल को जो शोकाज नोटिस जारी किया गया है उस पर 14 जुलाई तक जो है वो समाप्त मुलतवी की है और उसको इस शोकाज नोटिस का जवाब देने के अहकाम भी जारी किए हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।